When ray travel from rarer to denser medium, तो ये है आपका इंटरफेस है और ये है डेंसर मीडियम, और इस तरह से रे जो है इंसिडेंट, ऐसे है ना, और इस तरह से ऐसे, इसके बाद कैसे हो जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, है ना। तो ये हो गई आपको R और ये हो गया I, और ये हो गई N1, ये है गया N2, और N2 जो है वो N1 से बड़ा। तो कंडीशन है कि N2 जो है वो बड़ा है किससे, N1 से। तो N2 बटे N1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, अब फार्मूला पढ़े हैं कि साइन जो I है डिवाइडेड बटे क्या है, साइन आर, वो क्या है अब N1 से 2, यानी N2 डिवाइडेड बटे N1 है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि साइन जो आई और साइन जो आर है वो हो गया N2 बटे N1, और ये ग्रेटर देन क्या है, 1, यहाँ दिया हुआ ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं कि साइन जो आई है बटे साइन आर जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ये लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर ग्रेटर देन क्या, 1। तो साइन जो आई है वो ग्रेटर देन क्या है, साइन आर है, यानी आई ग्रेटर देन आर हो गया। इसका मतलब है कि ये लाइट क्या हो गया, ऐसे मुड़ जाएगी, है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो when ray travels from rarer to denser, rarer to denser, rarer to denser, then refracted ray bends towards normal, ये क्लियर, किधर बेंड्स करेगी, नॉर्मल के तरफ, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ आ जाएगी, क्लियर। दूसरा है कि when ray travels from rarer to denser, when ray travels from when ray travel from denser denser to rarer, when ray travel from denser to rarer, denser से rarer चल रही है, ये डेंसर हो गया, ये हो गया N2, ये हो गया N1, ये डेंसर, ये क्या हो गया आपका, इसी को N1 मान लेते, इसको N2 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया डेंसर, ये हो गया रेयरर। तो इस तरह से अगर कोई रे आ रही है ऐसे चली जाएगी, है ना, और ये हो गई क्या R, ये हो गया I। अब इसको जरा समझेंगे तो N1 greater than क्या है, N2 है, यानी N1 डिवाइडेड बटे क्या है, N2 greater than क्या है, 1 है, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे कि साइन I डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, साइन R 1 से 2, क्या लिखेंगे, साइन आई साइन आर इज इक्वल टू N2 डिवाइड बटे कितना, N1,
ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? यहां मिल रहा है कि n1 greater than n, n1 by n2 greater than 1 है, n1 by n2 greater than 1 है, लिखा हुआ है कि n1 by n2 greater than 1, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि n2 बटे n1 less than 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर sin i divided by sin r इज इक्वल टू एन टू बटे एन वन लेस देन वन, तो इसको लिखे चाहे इसको लिखे, तो साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर लेस देन वन, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि साइन जो आई है वो लेस देन क्या होगा? साइन आर होगा। इसका मतलब है कि आई लेस देन आर। सो व्हेन रे ट्रेवल्स, ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर, देन देन रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स bends away from the normal, away from the normal, मतलब कि वो normal से कहाँ जाती है? दूर जाती है, away from the normal. So when a ray travel from rarer to denser, then refracted ray bends away from the normal, normal से दूर भागती है। क्लियर? अब यहां पे इसको अगर ऐसे लिखे, डेंसर ये हो गए ऐसे, इस तरह से और इसी तरह से क्या हो गया है ना, इस तरह से ये हो गया 90 डिग्री। इसी में वापस चली जाएगी, कुछ पार्ट्स वापस जाएगा, कुछ पार्ट कहाँ जाएगा? अंदर आएगा, इस तरह से नॉर्मल या इंसिडेंट हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इसी में अगर हम बात करें कि इसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा वन है, इसका स्पीड कितना है, वी वन है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए वन है, लेमडा वन है, वी वन है, इसका फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ वन है। तो यहाँ पर लेमडा क्या होगा, वेवलेंथ लेमडा टू होगा, स्पीड वी टू होगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन वन है, तो इसका ये एन टू हो गया, फिर ये ए टू हो गया, फिर ये एफ टू हो गया, इतना हो गया। तो अगर वेवलेंथ की बात किया जाएगा, यहाँ पर वेवलेंथ, तो वेवलेंथ जो होगा इसका बड़ा होगा, वेवलेंथ घटेगा। स्पीड की अगर बात करें तो इसकी स्पीड भी घट जाएगी, वी वन ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, वी टू हो जाएगा। दूसरा है कि एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की हम बात करते हैं तो ए वन भी होगा ग्रेटर देन ए टू, ओके। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो इसमें क्या है, एन टू जो है वो ग्रेटर होगा एन वन से। अगर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की एफ वन और क्या होगा एफ टू,
लेमडा वन ग्रेटर देन लेमडा टू, भी वन ग्रेटर देन भी टू, और ए वन ग्रेटर देन क्या ए टू, एन टू ग्रेटर देन एन वन, और एफ वन बराबर एफ टू होगा। मतलब कि कोई जो वेव है ना, व्हेन वेव ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो उसके वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है ना सभी चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, देन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट बिकॉज frequency only depends on source. When ray travels when ray travels from one medium to another medium, then frequency remains constant. जैसे यहाँ पर अगर कोई सोर्स है ऐसे, तो ये है आपका डेंसर मीडियम का है, डेंसर मीडियम में वेव इस तरह से दिखेगा, जिसका ये हो गया वेवलेंथ है ना। वही अगर रेयरर में देखेगा तो ऐसे दिखेगा, ऐसे, इसका ये हो गया वेवलेंथ है ना। ये किसका है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम इसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयरर मीडियम। तो ये हो गया रेयरर मीडियम का, और ये हो गया आपका डेंसर मीडियम का। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, अब इसमें है कि आपको प्रॉब्लम सोल्व करना है कि जब कोई रे रेयरर से डेंसर जाएगी है ना, तो उसकी आप स्पीड कुछ एंगल दिया रहेगा, तो आप ऐसे सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब। तो T जो है वो है थिकनेस ऑफ स्लैब, N क्या हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का। तो N1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 1, और N2 इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या N, इस तरह से ये हो गया। तो हमको इस प्रूफ करना है, जैसे यहाँ पे ग्लास स्लैब रखते हैं, ये ग्लास स्लैब है, यहां से एक रे को इंसिडेंट किया है ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से ऐसे हो गया, ठीक है, फिर कैसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा।
इसको बोलेंगे हम लोग आई, इसको बोलेंगे आर, आर में आर वन बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्या आर टू, आर टू हो गया। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा, बड़ा बना। ये है ग्लास स्लैब, ओके। इस तरह से एक रे है जिसने इंसिडेंट किया गया है, तो उधर तो जाएगी नहीं, थोड़ा सा इधर मुड़ जाएगी, है ना, और फिर उसी तरह से इधर आ जाएगी। इसमें है कि ये सीधे जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका आर, आर वन, और ये हो गया आपको आर टू। इसको पढ़ते हैं डेविएशन, इसको डेविएशन पढ़ते हैं, इसको, इसका नाम है ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, बस ये है। इसको तो इंसिडेंट रे पढ़ते हैं, आपको पता ही है, इसको हम लोग नया नाम देते हैं, और ये है ई, एंगल क्या है ई है, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, इमर्जेंट रे, ई है गया इंसिडेंट रे, ये दोनों सीधा लाइन, ओके ओके, इतना हो गया। अब इसी में हमको रिलेशन कैलकुलेट करना है, रिलेशन, रिलेशन ला देना। तो ये जो हो गया n2 हो गया, जो n दिया हुआ है, ये हो गया n1 जो 1 दिया हुआ है, ये भी हो गया 1 1 दिया हुआ है। तो एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, इस पॉइंट पर अप्लाई करते हैं, एट पॉइंट ए क्या लिखेंगे, साइन आई और साइन क्या आर वन इज इक्वल टू वन से टू, तो क्या लिखेंगे एन टू बटे एन वन, इसको लिखे इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर। अब यहां देखिए एट सी पे अप्लाई करते हैं, एट सी साइन आर वन, सॉरी साइन आर टू डिवाइडेड बटे क्या साइन ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू से वन आ रहा है तो एन वन बटे क्या होगा एन टू होगा, ये हो गया सेकंड, सेकंड हो गया। ये जो थिकनेस है वो कितना है टी, टी और थिकनेस होगा, यहाँ पर क्या होगा साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर वन इन टू, और साइन क्या होगा आर टू डिवाइडेड बटे साइन ई इज इक्वल टू एन टू डिवाइडेड बटे एन वन इन टू एन वन डिवाइडेड बटे क्या एन टू, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउ फ्रॉम फिगर, नाउ फ्रॉम फिगर, फिगर से क्या दिख रहा है, फिगर से जो है ये आर वन और ये आर टू दोनों बराबर है, यानी आर वन इज इक्वल टू आर टू है फ्रॉम अल्टरनेट, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल, फ्रॉम अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन आई डिवाइडेड बटे साइन आर वन इंटू साइन आर वन साइन ई इज इक्वल टू वन, ये आएगा, गो डाउट, ओके। तो इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो मिलेगा क्या साइन आई डिवाइडेड बटे
साइन ई इज इक्वल टू वन, तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, तो आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई, I इज इक्वल टू E, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंट। इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आसान भी है। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक रिलेशन यानी डी कैलकुलेट करना है। तो डी जो है, डी इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी और डी में साइन का इस्तेमाल करेंगे, ये 90 है, ये क्या है 90, तो साइन का इस्तेमाल करते हैं। देखो साइन डेल लिखते हैं, साइन डेल तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, डी है, हाइपोटेनस का नाम है ए सी, ठीक है। तो साइन डेल इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बटे ए सी, इक्वल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब बात करते हैं क्या, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए बी और सी। तो ट्रेंगल ए बी और सी की अगर हम बात करें, ए बी और सी की, तो ये वाला एंगल लेंगे आर वन, ओके। तो कॉस का इस्तेमाल करेंगे, कॉस का इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो कॉस आर वन, कॉस आर वन इज इक्वल टू बेस बटे हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, टी है, हाइपोटेनस कितना है, ए सी है। तो कॉस जो आर वन होगा वो टी डिवाइडेड बाई ए सी होगा, ये इक्वेशन बी होगा। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी इक्वेशन से, तो इसको पुट करते हैं, साइन डेल डिवाइडेड बाई कॉस आर वन इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई ए सी, टी डिवाइडेड बटे ए सी, साइन डेल इंटू क्या हो गया, कॉस आर वन इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बटे टी, डी डिवाइडेड बटे क्या हो गया, टी हो गया। फ्रॉम फिगर से एक और देखते हैं, फ्रॉम फिगर इससे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल प्लस क्या आर वन, दोनों ऐसे। डेल का मैंने बताया भी था कि इंसिडेंट्स में से रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन का एंगल घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं नाउ आर वन बराबर आर टू इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं आर, तो आई इज इक्वल टू डेल प्लस आर हो जाएगा, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा आई माइनस आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कॉस डेल, सॉरी साइन डेल है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं साइन डेल, साइन डेल डिवाइडेड बटे क्या, कॉस आर इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बटे टी, तो डी इज इक्वल टू टी, और क्या लिखेंगे, और साइन डेल डिवाइडेड बटे कॉस आर, कॉस आर, कॉस आर, डी डी इज इक्वल टू टी, फिर क्या लिखेंगे, साइन
डेल, डेल की जगह पर क्या लिखना है, आई माइनस आर, आई माइनस आर डिवाइडेड बटे कॉस आर। डी इज इक्वल टू टी और साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बटे कॉस आर, ये फॉर्मूला है। डी का अगर फॉर्मूला आप निकालना चाहते हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप निकालना चाहेंगे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे ही कैलकुलेट किया गया है। डी अक्सर निकालने का पूछता है और नहीं दिया रहेगा तो ये से भी ले सकते हैं, डी इज इक्वल टू टी साइड डेल डिवाइडेड बाय कॉस आर, ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यूज, है कि नहीं। तो आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।